सीखना जो होता है वो सीखने वाले के करता है, ये इस पे कोई असहमत नहीं। पहली बात, आप असहमत हैं कि सीखना ये लर्नर का एक के अंदर होगा। मैं हूं, आप हैं, बच्चा है, कोई भी है, हम और हमारा मन, मस्तिष्क और जो भी हमारा अपना पूर्व में घनीभूत संगठित ज्ञान है वो सीखता है। तो ये सीखना लर्नर के अंदर होता है, लर्नर के बाहर कोई भी सीखना नहीं होता। ये आप हम सब सहमत हैं इस मोटे सिद्धांत पे, क्या कोई असहमत है कि नहीं? बाहर हो जाता सब, नहीं होता है जी? बाहर तो इसमें सहयोग होता है, स्टिमुलस है, इंटरेक्शन है, अनुभव है, गतिविधि है, वो है, और दूसरा विचार है जो हमको प्रस्तुत होता है। अब ये सीखने वाले का है कि उसके ऊपर उसका क्या प्रभाव, ये सीखने वाले के अंदर होता है। तो यहाँ बच्चा है हमारे यहाँ सीखने वाला, और ये बच्चा बच्चे नहीं है, ये क्लास नहीं है, बच्चों का समूह नहीं है, बच्चा वर्ग नहीं है, प्रत्येक बच्चा यहाँ पर जब सीखना है तो एक प्रत्येक बच्चा सीखेगा, सीखना उसके अंदर होगा। नंबर दो, इस पे सभी सहमत हैं कि जो सीखने वाले के अंदर जो होता है वो सीखने वाले की क्रिया से होता है। उसके सामने क्या क्रिया की जाए वो उसको प्रभावित करती है, पर अंततः जब वो एक्सटर्नल एक्टिविटी इंटरनलाइज होती है, जब वो कुछ अंदर क्रिया उत्पन्न करती है, जो अंदर है वो बाहर की क्रिया के साथ क्रियाशील होता है, तब सीखना होता है। सीखने वाले के अंदर होता है और सीखने वाले की एक्टिविटी से होता है। सीखने की एक्टिविटी सीखने वाले को करनी पड़ती है, अंत बाहर जो है वो सब सहयोग है, वातावरण है, मदद है, फैसिलिटेशन है, स्टिमुलस है, जो भी आप कहें सहयोग है। बाहर एक पूरा ज्ञान का, व्यवहार का, क्रियाओं का जगत है जिसके बीच में कोई सीखने वाला है, सीखना उसको है। और सीखना जब हो बढ़ता है जब वो सीखने वाला सक्रिय होता है। तो सीखने वाले की सक्रियता, सीखने वाले का एंगेजमेंट, सीखने वाले का पार्टिसिपेशन है जो कि सीखना घटित करता है। ये इस पे हम सब सहमत हैं, दुनिया में सब सहमत हैं इस बात पे कि हाँ ये वैसे नहीं हो सकता। सीखने वाले का दिमाग में कुछ ना चल रहा हो और उसके सामने कुछ हो रहा हो और वो सीख जाए, ये ऐसा नहीं होता। द माइंड ऑफ लर्नर हैज टू इंटरेक्ट विद द एक्सटर्नल, समथिंग एक्सटर्नल या अंतःक्रिया करे वो आपस में अपने चिंतन से करे। तीसरा सिद्धांत, ये जो लर्नर है जिसको सीखना है, जिसकी अंतःक्रिया से सीखा जाता है, वो अपनी वर्तमान अनुभव, ज्ञान और योग्यताओं के आधार पर सक्रिय होता है। ये जो उसकी क्रिया है, ये क्रिया कहीं आसमान में नहीं हो सकती, किसी भी जगह नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की नहीं हो सकती। इसका आधार है इस लर्नर का प्रेजेंट नॉलेज और एबिलिटी का स्टेटस क्या है। वो अपनी वर्तमान ज्ञान और क्षमता, योग्यताओं का प्रयोग कर सकता है। उसके पास लर्नर को अगर सक्रिय होना है तो सक्रिय होने के लिए उसके पास क्या है, उसका उस समय उसके पास जो समझ, जो ज्ञान है, जो क्षमता है, जो कौशल है, वो उसका ही प्रयोग कर सकता है। सक्रिय होने का मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी चीज का प्रयोग कर लेगा, ऐसा नहीं है। उसको प्रयोग करना है अपनी उस समय उसके पास जो क्षमता, योग्यता और कौशल है और समझ है, उसका वो प्रयोग करके सीखता है। हम इस पूरी स्कीम में, पूरे मसले पे इन तीन सामान्य सिद्धांतों की बात कर रहे हैं। केवल केवल और केवल ये बात की जा रही है, और ये एक ऐसी बात है जो 60, 70, 80 साल से दुनिया में अधिकांश लोग इससे सहमत हैं। सीखना बच्चे को है, बच्चे की सक्रियता और संलग्नता से ही वो सीख, अपनी सक्रियता संलग्नता से सीख सकता है। तो बच्चा होना चाहिए, वो सक्रिय और संलग्न होना चाहिए। आप सिखाना चाहते हैं तो है? वो आपको मदद करनी पड़ेगी। और क्या सिखा सकते हो, कहाँ क्या सक्रियता क्या ला सकता है वो,
वो जो उसके पास उस समय मौजूद क्षमता योग्यता ज्ञान है उसको उसको प्रस्तुत कर सकता है। आपको इंटरेक्ट किससे करना है? शिक्षक को, कोई भी सिखाने में मददगार उसका जो है उसको। जब वो बच्चे के वर्तमान ज्ञान स्तर योग्यता स्तर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए अपने को उस जगह ले आए, उससे अलाइन कर दे, एक कदम आगे, यहाँ हो यहाँ पकड़ लो भैया हाथ, वहां है यहां से मैं पकड़ाऊ हाथ तो नहीं पकड़ सकता, वो तो वहीं अपने ज्ञान और अनुभव और समझ से बात करेगा। आप उसके पास इस जगह पहुंचिए जहां आप आगे हैं लेकिन बहुत सबसे पास है, उसकी समझ के सबसे पास है लेकिन एक कदम आगे है। तब वो अपने मौजूदा ज्ञान और समझ के आधार पर बाहर जो हो रहा है उसका अर्थ निर्माण कर सकता है, उसको समझ। तो ये बात मूलतः आप यहां पे हम इतने दिनों से या सभी जगह केवल ये बात कर रहे हैं, तीन बार इसको थोड़ा आप ध्यान रखें। हमारे आपने जो सरस पाठ्यक्रम और सरस विधा की बात की, सरस ये है, रस ही ये है, अर्थ ही ये है कि इस बच्चा सीखेगा, ये सक्रिय होना चाहिए, अपनी मौजूदा क्षमताओं का प्रयोग कर सके। आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, जो भी सिखाना चाहते हैं, जो भी पाठ्यक्रम लाना ला रहे हैं और जो विधा ला रहे हैं वो इससे एलाइन करनी चाहिए। और यही चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी, यही चाइल्ड सेंटर्ड। और ये चाइल्ड क्या है? एक बच्चा है, क्योंकि एक से आगे कोई सीखता नहीं, अकेला सीखता है, वो समूह के सहयोग सीखता, समूह में रह के सीखता है वगैरह वगैरह। अब ये एक स्थिति है, ये तीन सिद्धांतों पर अगर सहमत हैं तो मूल बात ये हो रही है साथियों, अगर हम इन बच्चों को सिखाना चाहते हैं, बच्चों को सीखने में मदद करना चाहते हैं, तो इन तीन आधार वाक्यों को हमेशा अपने जहन में इनके प्रति जागरूक रहें। इन तीनों से बाहर अगर हम कुछ भी करेंगे तो वो निरर्थक होगा, उसका कोई भी फायदा नहीं हो सकता है। इतनी सी बात है। अब बात कहाँ है? बात यह है कि हमारा यथार्थ क्या है। हमारा यथार्थ ये कक्षा है, कक्षा का अर्थ क्या है? आपने बिल्कुल सही बात की, क्या पढ़ा रहे हैं, किस पढ़ा रहे हैं। कक्षा का अर्थ है साल के अनुसार, क्या साल का कंसेप्ट आ रहा है, साल के अनुसार एक स्टैंडर्डाइज, एक सामान्य सभी के लिए एक सा पाठ्यक्रम ज्ञान का उपलब्धि के लक्ष्यों का निर्धारित कर देना। कक्षा पांच मतलब यहां तक का पढ़ कुछ आप कर चुके हो, इसके बाद यहां से शुरू हो रही है, इसके बाद से यहां से ये पांच यहां से शुरू होगा और यहां तक जाएगा, चार इसके बाद शुरू होगा और यहां तक जाएगा, तीन यहां शुरू होगा और यहां तक जाएगा, ऐसे ही दो यहां शुरू होगा यहां तक जाएगा। स्टैंडर्डाइज पाठ्यक्रम है, उनको एकदम और भी बांधने का सूत्र है हमारा, कक्षाएं एक तो जिनसे हम पाठ्यक्रम को स्टैंडर्डाइज करते हैं, साल दर श्रेणी करते हैं, उसके बाद में पाठ्य पुस्तक दूसरा सूत्र है उसको वो करने का। पाठ्यक्रम है उस, वो क्या है ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है, उनको पाठ्य पुस्तक पता होती है, ये मान के चलते हैं पाठ्य पुस्तक ही पाठ्यक्रम, क्या सीखना है वो मतलब जो किताब है वो सीखना है, जबकि आप सब जानते हैं विद्वान साथी हैं कि पाठ्यक्रम वो लक्ष्य होते हैं योग्यता क्षमता कौशलों के जिनको अर्जित करना है जिन स्तरों को, और पाठ्य पुस्तकें एक माध्यम होती है, कंटेंट होती है जिसके माध्यम से आप उनको प्राप्त करते हैं। पाठ्यक्रम एक नमूना है, पाठ्य पुस्तक एक नमूना है, उसके हजार नमूने हो सकते हैं, उसके हजार सामग्री विभिन्न तरह की हो सकते हैं, पर हम बंधे हुए हैं एक कक्षा, उसका पाठ्यक्रम है, उसकी एक टेक्स्ट बुक है,
टेक्स्ट बुक की योजना। टेक्स्ट बुक क्या है? ये एक कक्षा के एक विषय की वार्षिक रूप से सभी शिक्षकों, सभी स्कूलों, सभी कक्षाओं, सभी विद्यार्थियों के लिए एक साथ बना दी गई योजना है। मूलतः कंटेंट क्या है, कहाँ से शुरू करना है, क्या बांचना है, क्या पूछना है, क्या करना है, वो एक तरह से वहाँ प्रस्तुत है। हम आते हैं, कोर्स पूरा करते हैं। कोर्स पूरा करने का मतलब पाठ्य पुस्तक को पूरा करते हैं, पाठ एक से अंत करते हैं, अंतिम पाठ पर सभी विषयों में। इस तरह हम चलते हैं, ठीक है। फिर बाद में चाहे आप टेस्ट लो, अर्धवार्षिक परीक्षा लो, वार्षिक परीक्षा लो, जो भी लो, उसमें हम ये तय करते हैं कि बच्चों ने सीखा या नहीं सीखा। तो आकलन के लिए हमारे पास टेस्ट और परीक्षाओं का तरीका है। ये स्टैंडर्डाइज्ड है। एक समय होगा, एक तरह का पेपर दिया जाएगा, सभी से उसी की अपेक्षा की जाएगी और सभी को एक ही तरह से एक आंसर की है, जिसके हिसाब से परीक्षकों को स्कोरिंग करेंगे। स्कोरिंग का अर्थ इंटरप्रिटेशन साफ है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड डिवीजन, फाइव फेल डिवीजन में उनको कैटेगराइज करेंगे। ये सब स्टैंडर्डाइज्ड है, पूरा एक समान है। क्या सिखाना है, किससे सिखाना है, किस क्रम में सिखाना है, सीख गया कि नहीं सीख गया, उसकी जांच कैसे करनी है, उसका स्कोरिंग कैसे, इंटरप्रिटेशन और उसका बाद में घोषणा कैसे करनी है, बच्चों को क्या लेबल करना है, ये सब निर्धारित, ठीक है। ये हम ऐसे चलते हैं। हमारा यथार्थ क्या है? एक यथार्थ तो ये है, सीखने के सिद्धांत ये है, इनके इधर उधर जाओगे कुछ नहीं पाओगे। इनके इधर उधर जाओगे कोई कुछ नहीं पा रहा है आज तक। सीखने वाले को सीखना है, उसको सक्रिय होकर सीखना है, जो जानता है उसी का इस्तेमाल करके सीख सकता है। और आप कल्पना करें कुछ ऐसे सीख जा नहीं सीखेगा। हमारा यथार्थ क्या है? आरटी एक्ट को छोड़ दो आप, आरटी एक्ट से पहले की बात कर लेते हैं अपन। मैं 60 के दशक की बात करता हूँ, जब मैं कक्षा प्राथमिक कक्षाओं पढ़ता था और लगभग वो स्थिति बदली नहीं है। आरटी एक्ट तो बहुत नई नई चीज है। कक्षा 5 तक आरटी एक्ट, अगर अपन अपनी पूरी बातचीत को कक्षा 1 से 5 तक सीमित रखें, 6 वर्ष से 11-12 वर्ष तक की आयु वर्ग की बात करें और बातें ना करें, बिल्कुल हमारी पूरी बात यहाँ हो रही है। प्राथमिक कक्षाओं 1 से 5 ये बच्चे हैं। आरटी एक्ट से पहले भी इनको फेल करने का प्रावधान 20 वर्ष से नहीं है। आपकी जानकारी में होगा, आप सर हैं नहीं है, आरटी एक्ट ने यहाँ कुछ भी कोई भी नई स्थिति उत्पन्न नहीं किए। केवल इसके अलावा कि भाई कब आए तो कहाँ प्रवेश दें, पहले भी ऊपर नीचे प्रवेश देते थे। पहले हम कहते थे हम योग्यता नाप के और प्रवेश ऊपर करते हैं, अब कह रहे हैं आयु के अनुसार, उस बात पर आ जाएंगे। प्रदेश का संभवतः आंकड़ा यह है कि शायद आरटी एक्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 में आयु के अनुरूप कक्षाओं में प्रवेश की घटना है वो 5% से कम है। ऐसे 5-7 बच्चे आ जाते हैं जो ऊपर नीचे, और कहीं 10 आएंगे, कहीं 1 आएंगे, है? तो औसतन 5-7% बच्चों की समस्या है। रिमेनिंग की क्या स्थिति है? रिमेनिंग की रियलिटी ये है, कक्षा 1 को छोड़ दो, मोस्ट होमोजीनियस, लगभग सभी बच्चे 1 से योग्यता क्षमता स्तरों पर हैं। कक्षा 2 में आप जाओगे, द हेट्रोजेनिटी स्टार्ट्स। कक्षा 2 कोई एक स्तर नहीं है, कक्षा 2 में 2-3 तरह के बच्चे हैं आपके पास। कक्षा 3 में जाइए, कक्षा 4 में जाइए, आरटी एक्ट से पहले जाइए, कक्षा 5 में आपके पास में एक तरह के बच्चे नहीं है। अब कृपया ईमानदारी से इस बात को थोड़ी देर कर लीजिए, आरटी एक्ट के ने इसको 5-10% बढ़ा दिया होगा समस्या को, पर 90% ये स्थिति कि ये इस कक्षा में बच्चे एक स्तर पर समझ ज्ञान कौशलों के कंसेप्ट के एक स्तर पर नहीं है। 2-3-4 स्तरों पे होते हैं। ये किसी योजना ने नहीं क्रिएट की है स्थिति, कि योजना ये कहती है कि ऐसे समूह बनाओ वैसे समूह बनाओ। योजना इस स्थिति को आपको कह रही है, कृपया इस स्थिति को देखो,
द ग्रेट फायर इज नॉट द होमोजेनियस सिचुएशन। कक्षा पांच में आपके पास जो 35 बच्चे बैठे हुए हैं वो इस जगह, उनका वर्तमान ज्ञान, योग्यता, समझ वो एक सी नहीं है। किसके संदर्भ में? आपके पाठ्यक्रमों के संदर्भ, गणित के संदर्भ में, अंग्रेजी के संदर्भ में, भाषा लिखने पढ़ाने के संदर्भ में एक जैसी नहीं है। चार में भी ये स्थिति है, तीन में भी ये स्थिति है, ये बहुस्तरीय स्थिति है। समझ, हम एकमात्र एक सिंपल सी बात कर रहे हैं। अगर इस बहुस्तरीय स्थिति में, इसको जो भी कह लो आप, जो भी तरह के बच्चे हैं, एक इस तरह के बच्चे नहीं, जिनसे एक तरह से आप शुरू करोगे तो किस चीज का उल्लंघन करोगे? किस चीज? आप कक्षा पांच के गणित के अंग्रेजी के पहले पाठ से सारे बच्चों को शुरू करने की कह रहे हो तो आप वस्तुतः इनमें से कुछ बच्चे हैं जो जिनके पास चार वर्षों के अध्ययन के बाद वो योग्यता, क्षमता, समझ, कंसेप्ट, कौशल आ गया है कि कक्षा पांच के पहले पाठ में क्या बात हो रही है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव द एप्टीट्यूड, द रिक्वायर प्री रिक्विजिट ऑफ द कंसेप्ट एंड स्किल्स विच विल मेक मी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर टेलिंग, द टीचर इज टेलिंग व्हाट द ग्रेट फाइव चैप्टर वन इज डिस्कसिंग। मैं उसको डिकोड कर सकता हूं, उसको समझ सकता हूं। ये कक्षा पांच के कुछ बच्चों की स्थिति है। शेष बच्चे, कुछ के लिए कुछ मदद करो, आप भी थोड़ा सरल करो, ये करो, याद दिलाओ तो शायद आ जाए। कुछ बच्चे आप भी कुछ भी करो, वो भी कुछ भी करें, आप उनकी बात कर रहे हो जो आते नहीं है। हम उनकी बात कर रहे हैं जो रोज आते हैं, रोज बैठते हैं कक्षा पांच में आकर, और जो आप पढ़ाते हो वो सर से ऊपर से निकलता है। आप पढ़ाते हो मतलब कोई भी टीचर जो इस तरह से काम करता है वो सर से ऊपर निकलता है, रोज आते हैं सर से ऊपर निकलता है। कुछ कोशिश करते हैं क्रेमिंग की, रटने की, वैसे बिना समझे याद कर लेने की, नकल कर लेने की, जैसे तैसे बने रहने की, विच मेक देयर पार्टिसिपेशन, देयर एंगेजमेंट, देयर मेंटल एक्टिवनेस विद दिस टास्क इम्पॉसिबल। ये जो दूसरी चीज थी ना कि लर्नर जब एक्टिव होता है, जब पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेशन और एंगेज एक्टिविटीज के को एंजॉय करता है, तब वो लर्न करता है। रोज खुलता है जिनका अध्यापक, रोज मेहनत करता है। अगर वो इस बात को नहीं देख पा रहा है कि उसका टीचिंग का टास्क और एक्टिविटी लर्नर के लेवल से एलाइन कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, उसको ध्यान न रख के बहुत ईमानदारी से, बहुत निष्ठा से उसको दिए हुए पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक और सिलेबस की मांग को प्रतिदिन पूरा करने आता है और करता है, वो भी न्याय इस स्थिति में नहीं कर सकता। एंड ये जो बच्चे जो पीछे हैं और शिक्षक उनके अनुरूप नहीं कोई चीज नियोजित कर पा रहा है, वो बच्चे पीछे नहीं रहते हैं, वो और पीछे हो जाते हैं जैसे कक्षा बढ़ती है, वो और पीछे हो जाते हैं, क्योंकि ज्ञान तो आगे बढ़ गया अगली कक्षा में, तीसरी वाली बात तो नहीं थी, वो तो चौथी वाली हो गई, चौथी के ऊपर पांचवी की सीढ़ी पर वो ज्ञान आगे बढ़ा और वो उससे नहीं जुड़ पाए तो वो और पीछे रहे। और पीछे होने का मतलब है दे लूज कॉन्फिडेंस इन देमसेल्फ एज लर्नर। वो एक सीखने वाले के रूप में अपने अपने आत्मविश्वास का क्षरण का अनुभव करते हैं कि वो तो नहीं सीख सकते, उनको ये विषय आता नहीं है, वो आ नहीं सकता। एक ऐसी आत्म छवि का वो निर्माण करता बच्चा इस स्थिति में कि जैसे वो पढ़ने लायक नहीं है, अक्षमता का। और अगर कोई भी लर्नर आप हो, हम हो, कोई भी हो, अगर कोई ऐसी स्थिति में जाए, इस भाव से जाए, उससे तो नहीं होगा, उससे तो नहीं आएगा, तो आप गारंटी मान लो आता हुआ भी नहीं आएगा, जो आ सकता है वो भी नहीं आएगा।
तो सीखने में बहुत महत्वपूर्ण है मोटिवेशन और सेल्फ इमेज, बच्चे की अपने सीखने वाले के रूप में उसकी आत्मछवि क्या है, क्या वो सीख सकता है, क्या उसको आ जाएगा, क्या वो प्रयास करे। अगर वो और कमजोर होती है तो एक अच्छा भला बच्चा जो सीख सकता था, कोई उपयुक्त ढंग से उसको मदद करता, तो वो भी असफल बच्चे की उसमें चला जाता है। मित्रों, ये जो कहानी है, ये तीन पक्षों में जो कहानी है, वो है कहानी टीचिंग विद ए नॉन लर्नर पर्सपेक्टिव, लर्नर के सामान्य पर्सपेक्टिव को ध्यान में बिना रखे पढ़ाना सिखाना, ये वो कहानी है। और सिंपल सी बात, देखिए इन सारी स्कीमें में कोई भी बात नहीं कही जा रही है, एक सिंपल बात करिए, काइंडली सी वेदर यू एग्री विद दीज प्रिंसिपल्स, काइंडली सी व्हाट सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट्स वी है एंड व्हाट इज द रियलिटी ऑफ आवर क्लासेस। इफ वी वर्क इन दिस डिजाइन, इट विल नॉट बी फ्रूटफुल, चाहे हम कितनी मेहनत कर लें। ये मोस्ट लेबोरियस, मोस्ट डेडिकेटेड टीचर्स के सामने सवाल है, जो काम ही नहीं करते। अगर कोई ऐसे हैं, लोग कहते हैं कुछ ऐसे भी हैं, उनके बारे में तो कोई प्रश्न ही नहीं है, परंतु जो करते हैं, तो हाँ ये बात आपने सही कही कि हमको चाइल्ड सेंटर्डनेस लानी है। और इसलिए एक छोटी सी बात कही जा रही है, आपको पढ़ाना है, पढ़ना बच्चे को है, सीखना। आप मदद जब कर पाओगे, जब उसके पास आओगे, किताब से चलोगे तब नहीं, उसके पास चलो तब। वो उसके पास चलने के लिए आपको पता होना चाहिए कौन बच्चा किस जगह पे। निरंतर कक्षा 5 में भर्ती है इसलिए 5 में होगा, ये कल्पना आपकी गलत है, ये निर्णय आपका गलत है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो बच्चा कहाँ है, उस हायरार्की सब्जेक्ट्स में कंसेप्ट और स्किल्स की हायरार्की के रिलेशन में, बेसिक से सेकेंडरी, जो बुनियादी है। बुनियादी का मतलब हायरार्की में स्टेप्स का मतलब ये होता है, इफ वी अरेंज आवर कैरिकुलम, सब्जेक्ट कैरिकुलम इन सच कंसेप्ट हायरार्की ऑर्डर, जहाँ पे ये है कि जब ए आएगा तभी ए की मदद से बी आएगा, ए और बी की मदद से सी आ सकता है, ए बी सी की मदद से डी आ सकता है, डी अपने आप में नहीं आ सकता, आउट ऑफ द ब्लू नहीं आ सकता, वैक्यूम में नहीं आएगा। इट विल कम ओनली व्हेन देयर इज ए देन बी सी देन डी कैन कम। तो जहां ऐसी हायरार्की है, वहां पे ये समझ लेना टीचर का परम धर्म है अपने काम के प्रति, कि वो ये जाने कि वो जो लर्नर्स को फेस कर रहा है वो एक्चुअली किस जगह पे है। और अगर वो डिफरेंशिएटेड जगह पे है, अगर वो अलग अलग जगह पे है जो होना नहीं चाहिए, फिर भी अगर हैं, ये यथार्थ है, तो आप एक कॉमन स्कीम से जाओगे, कॉमन इंस्ट्रक्शन से जाओगे, तो यू विल बी फर्दर बाइडनिंग दिस डिस्क्रिमिनेशन। मैंने कहा कि जो नहीं सीख पाया रहा, आपने आगे चीज सिखाते गए तो वो और पीछे होता जाएगा, आप फर्दर बाइडन करते जाओगे इसको। आप अगर समान जगह लाना चाहते हैं तो कृपया ध्यान दीजिए वो कहाँ है, और एक से अधिक जगह है तो आपका एक कर्तव्य बन जाता है कि एक योजना से मत चलो, एक विधा से मत जाओ, उनको दो जगह दो बातें करनी पड़ेगी, तीन है तो तीन जगह करनी चाहिए आपको, अगर आप उनको एक जगह भी लाना चाहते हैं तो। तो ये पूरी बात हो रही है असेसमेंट, कंटिन्यूअस असेसमेंट। असेसमेंट का ये फ्रेंच वर्ड है असेस, और इसका सबसे पुराना अर्थ है, जब ये शिक्षा में नहीं प्रयोग हो रहा था दूसरी जगह, उसका मूल अर्थ है पास समीप बैठना, समीप बैठने का मतलब, समीप बैठे हैं तो आप पता है ना आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मैं वो पीछे उनके बारे में पता नहीं है। समीप बैठने वाले को मतलब इस अवेयरनेस में होना कि भाई दूसरे बगल वाला कहाँ पे है, क्या है। तो टीचर समीप बैठे हर सीखने वाले के पास, मतलब उसको पता हो कि ये बच्चे को क्या तो आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, इसको कठिनाई क्या है, ये क्या कर लेता है, ये क्या नहीं कर पाएगा, इसको अगर मदद करनी है तो पास से भाई ये थोड़ी मदद, उसके पास से मतलब जहां वो है वहां पर
मदद करने। इन ऑर्डर टू सिट नियर बाय, कहें आशय जब शिक्षा शास्त्र में है तो वो ये है, टीचर शुड हैव अवेयरनेस ऑफ ऑल द चिल्ड्रन जिनको वो पढ़ाने जाए। उनको क्या, इसकी अवेयरनेस, तीसरे बिंदु की, एंड देन प्लान अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट अवेयरनेस। उसके हिसाब से आप प्लान करो। किताब है, ठीक है, काश सारे बच्चे इस स्तर पर होते तो ये किताब सबसे अच्छा काम करती, और ये कुछ के लिए सबसे अच्छा काम करेगी पर कुछ के लिए नहीं करेगी, देन आई शुड हैव सम अदर मटेरियल, आई शुड हैव अनदर प्लान। ये बात हो रही है। अगर आपने यहाँ काम किया तो देखिए, ज्यादातर लोग ये कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी जो खूबी है वो है उसके सीखने की क्षमता, और वो शाश्वत ज्योति की तरह है जिसको कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जाता है, उसके स्वभाव का हिस्सा है, वो सीखते जानते रहना चाहता है। इन ऑर्डर टू लिव इन द वर्ल्ड कीप ऑलवेज कीप नोइंग, वो उसकी स्वाभाविक वृत्ति है, पर वो वहां से करता है। आप इसके साथ चल के देखिए इसकी सक्रियता, उसका एंगेजमेंट, उसका पार्टिसिपेशन, ये वो क्या होता है। जब ऐसे चलता है तब उसका अपने बारे में आत्मविश्वास क्या होता है, जब वो खुद को, उसको कैसे आत्मविश्वास का अनुभव होता है कि मैं सीख सकता हूँ। आप ऐसा काम करवा रहे हो जो कर ही नहीं सकता, फिर आप विश्वास उसको बेचारे को ये होगा ही कि मैं नहीं कर सकता। आप उसके पास का काम दो ना, जो जानता है उससे आगे का, ताकि उसको लगे मैंने कर लिया, वो मैं कर सकता हूँ, मैं भी औरों की तरह सीख सकता हूँ, मुझको भी सीखना आता है, वो मैंने भी देखो नया सीख लिया। नया सीखने से बच्चों को हर्ष होता है, सबसे बड़ी प्रसन्नता उनको सीखने में मिलती है, और सबसे बड़ी उनकी क्षमता है सीखने की क्षमता, और सीखने से प्रसन्नता, प्रसन्नता होती है तो आएगा, बार बार आएगा, कभी नहीं जाएगा स्कूल में। अब ये कुछ ऐसे सवाल हैं, इन तीनों को आप एक साथ रखिए निश्चित को। हम केवल आपसे एक बात ही कह रहे हैं साथियों, ये ही सीसीई है और ये ही सीसीपी है। बच्चे के अनुसार शिक्षक बच्चे की स्थिति को जानते, आकलित करते हुए अपने सिखाने के काम का आयोजन, नियोजन और विधा का निर्धारण करें। ये बस सीसीपी सीसीई यही, और ये सीसीई सीसीपी में जो मैंने दो लाइन कही वो तर्क से आप में कोई भी साथी हमें बताए कि अगर टीचर बच्चों की इस ऐसी विविध स्थिति के का संज्ञान लेते हुए उनकी स्थिति को जानकर उसके अनुरूप इन सिद्धांतों का आधार लेते हुए काम करने का प्रयास करेगा तो टीचिंग और लर्निंग के लिए अहितकारी होगा, ये कभी हो ही नहीं सकता। टीचिंग और लर्निंग को अगर सुधारना है, इट विल ओनली एंड ओनली एंड ओनली रिजल्ट इनटू द इंप्रूवमेंट ऑफ लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ टीचिंग। एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग पे जाएगा ये, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ टीचिंग होगी, एप्रोप्रिएट सपोर्ट होगा, एप्रोप्रिएट फैसिलिटेशन होगा, एप्रोप्रिएट स्टिमुलस होगा, आप कुछ ही कह लें उसको, एप्रोप्रिएट एक्टिविटी टास्क होगा, तो लर्निंग विल एनहांस डेफिनेटली फॉर एवरीबडी। हर एक के लिए लर्निंग उससे उन्नत होगी ही होगी। तो हम इतनी सी बात कह रहे हैं कि सीसीई सीसीपी इज द मैकेनिज्म, इज द वे ऑफ इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ लर्निंग टीचिंग एंड हेंस द लर्निंग, सीखने और सिखाने की गुणवत्ता को वृद्धि करने का ही ये तरीका है कि शिक्षक उसके सामने जो लर्नर हैं उनकी स्थिति से निरंतर अवगत रहते हुए उनके लिए आवश्यक योजना विधाओं का प्रयोग करके उन्हें सीखने में मदद करें। दिस इज द ओन दिस दिस मच इज द सीसीई सीसीपी एसआईपी। ये चार वाक्य हैं सीसीपी सीसीई और एसआईपी के, बस और कुछ भी नहीं। अगर इस पर आप सहमत हैं तो साथियों आप सारी स्कीमों के इन बंधनों से मुक्त, सारे पाठ्यक्रम और इनसे मुक्त हैं। मैं पहले दिन एक साथी ने मेरे को आके कहा था, पहले बातचीत के बाद में,
कि उन्होंने एक उदाहरण दिया था कि मेरे स्कूल में जब मैं आया गया तो मेरे प्राथमिक शिक्षकों ने ये कहा कि सर आप ऐसा करो कि आपके हिसाब से पढ़वाना है जब तो आप पढ़वा लो और आप जिम्मेदारी ले लें, और या आप हमको हमारे हिसाब से पढ़ा लें, दो जिम्मेदारी हम ले लेते हैं। तो उनका कहना था कि हमने ये कहा कि भाई आप चलो आप अपने हिसाब से पढ़ा लो, आप में से ही किसी ने कहा था मेरे को हाँ हाँ तो हम आपको दे देते हैं जिम्मेदारी, आप ले लेना। और आपने कहा कि कुछ ही दिनों बाद वो बच्चे, सभी बच्चे वो कर रहे थे जिसकी हम कल्पना नहीं करते। बच्चे नहीं बदले थे उन्होंने कि भाई इन बच्चों को हटा दो और दूसरे बच्चे ले आओ, ऐसा नहीं किया था उन्होंने, कुछ अपने ढंग से किया था और यही किया था। ठीक है पाठ्यक्रम भी पढ़ाना है सरकारी स्कूल में, ये कालांश भी चलेगा वो भी चलेगा, ऐसे पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाया। और बाद में कहा कि अब हमको पता है कि कौन बच्चों को क्या पढ़ाना है, तो एक या दो घंटे उस हिसाब से ग्रुप बनाए कि तुम तो भाई अभी पहले ये पढ़ो और तुम ये पढ़ो और तुम ये पढ़ो, हम तुमको पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। वो पढ़ाया गया जो दोनों जगह काम किया, ये जो बाद में करते थे वो जब बढ़ता गया तो वो एक साथ जो पाठ्यक्रम पढ़ाते थे वो भी सरस होता चला गया, वो भी उपयोगी उन्होंने अपने आप कर दिया। और ये सबसे बड़ा उदाहरण है सीसीसी। तो मित्रों हम शायद हम इन पूरी बातों को कर ऐसे रहे हैं अपनी चर्चाओं में या प्रस्तुत ऐसे करते हैं अपने सारे वाक्यों में कि जैसे हम कोई यथार्थ से बाहर की बात कर रहे हैं, हम कोई अनुपयुक्त बात कर रहे हैं, हम जो आवश्यक नहीं है उसकी बात कर रहे हैं, हम जो वास्तविकता को बिना देख तो गड़बड़ करने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल उल्टा है जो हमारी ठेठ वास्तविकता है, ठेठ हमारे अवरोध है, ठेठ हमारी अव्यवस्था है। उसे कहीं तो नतीजा है कि बच्चे सालों के बाद भी अलग अलग स्तरों के हो जाते हैं, होते हैं, उन्हें कहीं कोई नतीजा है, वो हमारी वास्तविकता है। इस वास्तविकता को पे भी अगर किसी को सुधार की दिशा में काम करना है तो एकमात्र तरीका यह है काइंडली कंटिन्यूसली कीप नोइंग द लर्नर्स नीड, लर्नर्स स्टेज। सीखने वाले की आवश्यकता, सीखने वाला एक है ये ध्यान जरूर रखना, सीखने वाला क्लास नहीं है, उसकी जरूरत आवश्यकता क्षमता योग्यता को ध्यान में रखते हुए उसके सामने इन सारी चीजों को भूल भाल के ऐसा नियोजन करो योजना का लक्ष्यों के आधार पर जिससे कि आप असल में मदद कर पाओ। आप मदद करोगे, चिंता मत करो, बिल्कुल भूल जाओ, ये बहुत सशक्त प्राणी है, ये मनुष्य का बच्चा है ना, ये बहुत सशक्त है, आप और हम निर्मित नहीं करते हैं इसको, इसके बहुत क्षमता है। अनुपयुक्त सहयोग इसको असफल करता है, उपयुक्त सहयोग और वातावरण में कोई बच्चे, सामान्य बच्चे असफल नहीं होते। इसलिए जब ये कहा जाता है कि कक्षा 1 से 8 तक के पाठ्यक्रम में ऐसा कुछ भी नहीं सिखा रहे हो कि मनुष्यों का सामान्य बच्चा उसको सीखने में असफल हो, असफलता के कारण और है। तो साथियों ये जो बात है एक बड़े सिद्धांत के रूप में भी आजकल चर्चित है, मैं 2 मिनट उसका जिक्र कर देता हूँ। सीखने की प्रक्रिया में लर्नर के संदर्भ में ये 3 स्थितियां होती हैं, कोई भी एट एनी पॉइंट फॉर एनीबॉडी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ टास्क कार्यभार ऐसे होते हैं जो व्यक्ति अपनी मौजूदा क्षमताओं के आधार पर बिना किसी के सहयोग और समर्थन से कर सकता है। अच्छी तरह पढ़ना लिखने में जिस बच्चे को आपने सिखा दिया, कोई किताब दे तो पढ़ लेगा, वो अपने कर सकता, ठीक है। कुछ जगह ऐसी होती है आगे जो कोई कितना ही मदद कर दे, कितनी ही व्याख्या कर दे, कितना ही कुछ कर दे, उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसके हिसाब से ये असंभव, विच इज नॉट पॉसिबल बाई एनी सॉर्ट ऑफ है। ये अलग, ये नेक्स्ट स्टेज है। बीच की एक स्थिति ये है कि जहां वो अपने आप तो नहीं कर सकता पर उसको कोई
थोड़ी सी मदद कर दे, कोई क्लू दे दे, कोई सपोर्ट कर दे, कोई गाइडेड डायरेक्शन दे दे, कुछ सहयोग कर दे, तो वो जो अपने आप नहीं कर सकता वो ये कर सकता है। ये ठीक है, इसको दूसरी तरह नामांकन है कि ये स्टेज है जहां तक वो डेवलप हो चुका है, उसका ज्ञान डेवलप्ड है तो इसका प्रयोग कर लेगा, वो इसके प्रयोग से जो हो सकता है वो कर लेगा। ये है जो वो बहुत दूर है, वो कर ही नहीं सकता। ये एक जगह है, इसको शिक्षा मनोविज्ञान में जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। आशय ये है, आप बच्चों को यहां पर सिखाते रहिए, जो जानता है उसको वो ही बताते रहिए, तो सीखेगा बच्चा, वो तो जानता है, आप वो ही सिखा रहे हैं जो जानता है। जो जानता है वो अगर आप करवाते रहो तो कुछ नो लर्निंग हैपनिंग। जो नहीं जानता और जो जान ही नहीं सकता बिकॉज ऑफ द इनएबिलिटी ऑफ द प्री रिक्विजिट, आप अगर उसको वो करवाते रहो तो कुछ होगा? आप तो बहुत करवा रहे हो और आगे की चीज भी करवा रहे हो, इट विल नॉट हैव, नो लर्निंग विल बी हैपनिंग। तो हमारे यहाँ जो वो उदाहरण था कि चार वो अगर स्थितियां हैं तो नीचे वाले को आप वो वाला पार्ट पढ़ाते रहो कितनी जगह, आप यहाँ काम कर रहे हो, नथिंग विल हैपन। आपको कहाँ पर ये बच्चा सीखेगा? जो नहीं आता है उससे आगे कर पाएगा, और कैसे कर पाएगा? विद द हेल्प ऑफ मोर नॉलेजेबल, एनीबडी मोर नॉलेजेबल, चाहे वो टीचर है, अभिभावक है, सहपाठी है, कोई भी जो उससे अधिक समझता है उसके सहयोग से। एक क्षेत्र है जहां पर वो सीखेगा, आगे बढ़ेगा, एंड दैट इज द ओनली एरिया वेयर लर्निंग हैपेंस। यही जगह है जहां लर्निंग होती है। When you work, when you are able to identify कि what is the ZPD for a particular child, वो जगह कौन सी है उस बच्चे के लिए जहां वो सीखता है, जहां अपने आप जानता है उससे कि आगे की चीज उसको सहयोग से सिखाई जा सकती है। जब आप उस पर काम करते हैं तो वो जगह लर्निंग यही होती है, मीनिंगफुल लर्निंग। यहाँ पे एक आज सर्वमान्य सा एक और सिद्धांत है, आपको वो चीज पढ़ानी है जो वो नहीं कर सकता है, वो कर सकता है, वो ही पढ़ानी है तो पढ़ाना नहीं है। तो भी स्टार्ट विद दिस स्टेज, ये पहचाने कि कौन सी चीज अपने आप कर सकता है और उसके आगे की जो नहीं कर सकता, वहां पे काम करेंगे, सहयोग करेंगे और धीरे धीरे उसको सहयोग करेंगे, क्योंकि वो उसकी पहुंच में है और सहयोग से उसने अर्जित कर ली है, उसका परिणाम यह है कि वो अब उस चीज को स्वयं, तो ये ऐसे लर्निंग का डेवलपमेंट होगा। फिर इसके आगे कोई ऐसी चीज होगी जो अपने आप नहीं कर सकता, वो नेक्स्ट इसके आगे आएगी, फिर आप उसको सहयोग करेंगे, फिर वो वहां पहुंचेगा। तो ये एक श्रृंखला ABC स्तर पर चलती रहती है। तो अपने यहाँ पे वो फॉर्मेट वगैरह जो भी है उनमें दो मोटी बात की भी देखो, ये तो सीक्वेंस हायरार्की को देखो, तो क्लास को छोड़ दो, बच्चे कहाँ पे हैं वो पता कर, उसमें नेक्स्ट क्या है उसको थोड़ा आंकते चलो, और आपको शायद इन बच्चों को एक साथ नहीं दो तीन समूहों में देखने की आवश्यकता पड़ेगी, यथार्थ ऐसा है उसके हिसाब से योजना और मदद करें। आप ये करेंगे तो ये पूरी स्कीम, वो जो मैंने तीन बातें की उसको ही सुगम बनाने का एक ढांचा सा है, ढांचा है मात्र। वास्तव में कितने स्तर हैं, कितने बच्चे किस पे हैं, कौन से कंसेप्ट में क्या हैं, वो तो आपके कक्षा का यथार्थ है, और वो उद्घाटित होगा जब आप उस ढांचे पर कुछ की मदद लेके अपने क्लास को देखने, उसका समूहकरण करने, उसकी योजनाओं का निर्माण करने में उसका प्रयोग करोगे, और प्रयोग केवल उस चीज का कर रहे हो जो अपन ने तीन बातें की। हमारे कौन से बच्चे किस कंसेप्ट किस विषय के संदर्भ में कहाँ हैं, कहाँ पे अगर काम करें तो वो आगे, उनकी ये जगह कौन सी है और कहाँ काम करें तो आगे हो जाएगी, और ये देखते रहना कि अब यहाँ से यहाँ आगे, अब इस पर बार बार करते रहने की जरूरत नहीं है, अब आगे की बात पे चलो। इसका एक सामान्य सा लेखा जोखा, न्यूनतम लेखा जोखा
रखने के फॉर्मेट है वो। और बात इतनी सी सिंपल है, इतनी ही सिंपल है, पर अनिवार्य है, आवश्यक है। इसके बिना आप काम करने की कोशिश करेंगे तो हम कितनी ही मेहनत करें, कितनी ही ईमानदारी से श्रम करें, हम सफल नहीं होंगे। सहज से सर्वमान्य सिद्धांत और हमारी कक्षाओं का एक यथार्थ, उस पर काम आगे बढ़ाना है तो उसकी एक युक्ति के रूप में ये दो तीन बातें रखी गई हैं। और साथियों, ये बहुत कुछ भी नहीं है, तीन चार मोटे से बात। एक वाक्य मैंने पहले दिन कहा, फंडामेंटल राइट सीखने का, फंडामेंटल जिसका राइट दूसरों को, पर परिवार को नहीं बचा, ऑफ चिल्ड्रन है ना, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू एजुकेशन, कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन, यही था आरसी। हम इतना से जोड़ रहे हैं कि इट शुड बी ए फंडामेंटल राइट। बच्चे के परिवार पे, परिवेश पे मत छोड़ो, दायित्व समाज का है। फंडामेंटल राइट कहने का मतलब है समबडी हैज टू टेक केयर, है उसको तो है ये अधिकार, अब वो परिवार नहीं कर पा रहा तो कोई और ले। चिल्ड्रन, ये चिल्ड्रन है, ये ऑल चिल्ड्रन है, ऑल जोड़ दो, हर एक इसमें सम्मिलित है। और एजुकेशन, ये एजुकेशन क्वालिटी, इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन है, चाहे जैसी एजुकेशन नहीं। अगर हम न्याय करना चाहते हैं, शैक्षिक न्याय की स्थापना करना चाहते हैं, तो हर बच्चे का अधिकार इक्विटेबल क्वालिटी का की एजुकेशन का अधिकार है। इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन का अधिकार है हर बच्चे का। अगर इससे अपन सहमत हैं, हम उस यथार्थ को जानते हैं हमारी कक्षाओं के, हम ये जानते हैं कि आज के जमाने में हमारे जो स्कूल हैं उनमें ये ऑल चिल्ड्रन जो है ना, ये ऑल चिल्ड्रन जो बच्ची आ रही है, आप कहते हो 3 साल बाद आ रही है, 9 साल की हो गई अब आ रही है पढ़ने, 6 पे आना चाहिए था, हैं? या बारह, कहा किसी ने कहा कि भाई क्या 12 साल की हो गई अब ये आ रही है पढ़ने, 6 साल बाद आ रही है। मित्रों, मैं आपसे इतनी सी बात कह रहा हूँ, कृपया सुनिए इस बात को, ये बच्ची 3 साल और 6 साल बाद नहीं आ रही, ये शायद 30,006 साल बाद आ रही, ये शायद 10,006 साल बाद आ रही है, ये शायद 5,003 साल बाद आ रही है। इससे पहले इसकी पूरी वंशावली में इस लड़की ने सैकड़ों बार जन्म लिया है। मेरी तो इतनी पीढ़ियों में जन्म होते रहे, कभी कोई महिला स्कूल में नहीं आई, वो बच्ची आपके पास आ रही है। कृपया उस बच्ची को देखिए, वो कौन है, वो बच्ची कौन है आपके पास, और आपसे मांग कर रही, आप तो 21वीं शताब्दी की सभ्यता के स्कूल और शिक्षक हैं, क्या आप मेरे साथ न्याय कर सकते हो? इतनी हजारों सालों के अन्याय, मुझे बाहर रखा गया सीखने सिखाने से, उससे किसी तरह मेरे को न्याय दिला सकते हो क्या? आप जाने क्या बातें कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आता, कक्षा ये वो फलाना दिखाना, आप तो मैं जहाँ से भी आई हूँ पूरा असमर्थित है, अभी भी मेरे को कोई आने नहीं देना चाहता है, अभी भी मेरे 10 बहाने कि मैं ना जाऊं स्कूल, हाँ, कभी माँ रोकती है भाई बहन के लिए, कभी बाप रोकता है उसके लिए, कभी रोटी बनाने के लिए, कभी कौन रोकता है, कभी कौन रोकता है, क्या आप मेरे लिए कुछ कर सकते हो क्या? आप तो कहते हो क्या मेरा ये फंडामेंटल राइट है जो आप सरकार और समाज का बनाया है, स्कूल मेरी मदद करेगा, आप कर सकते हो क्या? तो हमारे पास तो यही बच्चे आ रहे हैं भाई, और ये जिनके साथ इतिहास ने शैक्षिक अन्याय किया है, असमानता बहुत की है, इसको देखो। मुझे तो लगता है कि ये बच्ची एक युग परिवर्तन का प्रतीक है, और आपसे अपेक्षा है कि आप उस युग परिवर्तन के अग्रदूत हैं, उसको आप ये सहारा देंगे, उनको समझिए, उनके साथ कुछ ऐसे करिए, इतनी सी बात है। और कुल मिला के ये पूरी बात, SIQ, CCP, CC,
और कुछ नहीं है, ये बच्ची जहाँ से भी आ रही है बहुत असमर्थित है। इसको आप इस स्थिति में क्या सीख सकने का आत्मविश्वास दे सकते हो? इसको सीखने में आप सफल बना सकते हो? ये क्या है, क्या कर सकती है, इसको जानकर वैसे अगर इसके साथ आगे बढ़ो तो ये बच्ची कुछ साल में औरों के बराबर हो जाएगी। इस बच्ची को आपने कभी भी जाना और इसको पहचान के इसके साथ काम किया तो ये आपका विश्वास है कि ये आपने ये विश्वास किया कि औरों के बराबर होगी, ये कभी निराश नहीं करेगी आपको। एक साथी ने कहा था कि हमारे वो चले गए उठे कि हमारे यहाँ वो बच्चियाँ अब आने लगी हैं और सारी नियमित आती हैं। अभी कल बोल रहे थे ना एक मित्र, तो ये नहीं होगा। केवल हमें अपने कर्म और इन बच्चों के साथ न्याय की एक स्थिति अपने कक्षा कक्षों में, शिक्षण की विधा में, अपने परिश्रम में, अपनी योजना में, अपने तौर तरीकों में करनी पड़ेगी। और ये जितनी भी सामग्री आपको दी जा रही है, अगर उसका कोई भी पन्ना ऐसा हो जो इसमें आपको मदद नहीं करता है, वो फाड़ के रख दो, आप उसको हमारे पास भेज दो वापस, कि इससे मेरे कोई मदद नहीं मिली ये काम करने में। उस सामग्री में आधे से ज्यादा पेज खाली हैं, 70-80% पेज खाली हैं, और आपने देखा हो तो। और खाली काय के लिए हैं? खाली इस बच्ची की मांग के लिए हैं। अब बताओ इस बच्ची के साथ आप कैसे करोगे? कृपया 5-10 दिन में, 5-7 दिन में ये जो बच्चे बच्ची आपके पास हैं, इस पेज को, एक जो खाली आता है और एक पेन को, आधा घंटे लेके बैठ जाओ यार, देख लो वो कौन सी को क्या आता है, क्या सिखाऊं तो आ जाएगा, कैसे सिखाऊं तो आ जाएगा, ऐसे करने से तो नहीं आया, इतना सा ये पेज को, ये आपके सृजनात्मक सृजन का एक न्योता है वो खाली पेज, आपको इन्विटेशन है एज ए टीचर, काइंडली बी ए टीचर ऑफ सच स्टूडेंट्स। और उनके लिए योजना कहना कहा जा रहा है कि आपने देख लिया था क्या ये बच्ची को, अब इस बच्चे को क्या आ रहा था जो पढ़ा रहे थे, अब कल वैसे ही करोगे, कुछ और करना चाहोगे, मान लो थोड़े से आधा घंटे बैठ जाओ 15 दिन में, इतनी वो पेज उसमें जो लगती है ना, इतनी भरी यानी क्या सामग्री दे दी, आप गिन लेना उसमें खाली पेज कितने हैं। और खाली पेज है शिक्षक के सृजनात्मक श्रम के लिए, उसके काम को फलदायी करने के लिए, उसके थोड़े से चिंतन मनन के लिए। चिंतन मनन जब अच्छी तरह होता है कि एकांत में कागज पेन लेके बैठते हैं, आप में से अधिकांश लोगों की पत्नियां जब कहती होंगी, पति कहते होंगे कि बाजार जाके ये सामान लिया था, पेन निकालते हो क्या, क्या लिखाना मैं भूल जाऊंगा, हाँ ये लिखाओ वरना ये कुछ और आ जाएगा, ये कुछ और आ जाएगा, चार चीज बाजार से लाने में तो लिखने की जरूरत पड़ जाती है, और इतनी जटिल स्थिति के ऊपर काम करने कहते हैं कि बेकार काम करवा रहे हो, लिखवा रहे हो, हाँ वहां पर कहते हैं कि काम करवा रहे हो, लिखवा रहे हो, तो भरवाते रहते हो कागज फालतू के। अरे भाई वो कागज भरोगे तो काम सही सही सामान ले आओगे, वो कागज वो भरने के लिए जो कहा जा रहा है, वो कागज जिसने नहीं भरे, कागज भरने का मतलब है 15 दिन में 7 दिन में थोड़ा तसल्ली से सोचा नहीं बच्चों के बारे में, वो अच्छा काम नहीं कर पाएगा। आप बैठे हो किताब लेके चालू हो जाऊंगा, 20 साल से पढ़ा रहा हूं, क्या फर्क पड़ता है, काहे की तैयारी? अब ये सोचने का कौन सी तैयारी, उसमें क्या ऐसा, वो पढ़ जाने कितनी बार पढ़ा दिया मैंने, वो नहीं है तैयारी, कुछ और तैयारी चाहिए जो अपन ने इतनी देर बात की। तो मित्रों वो जो खाली पेज है वो असल, बाकी तो हम खाली पेजों को भरने के लिए आप चाहो तो लिस्ट देख लेना, क्या सूचक होने कैसे हो क्या है, वो है आपको मदद चाहिए तो, वरना मत देखो, वो आपकी समर गाथा है, वो समर गाथा के प्रश्न है आपकी, वो आपकी आत्मकथा के प्रश्न है जो आप और आप केवल आप ही लिख सकते हैं, आप लिखना चाहो तो लिखो और ना लिखना चाहो तो मत। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।